अगर किसी भी बेटी के साथ दरिंदगी होती है तो उसका सिर्फ एक या दो महीने में उसका न्याय, उस बेटी को न्याय मिलना ही मिलना चाहिए। तत्काल मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि पिछले एक सप्ताह से आप हमारे साथ बिल्कुल एज इट इज बनी हुई है। सभी जितने भी सोशल मीडिया को आपने हमें दिखाया है, मैं आपके चैनल का बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी पूरी टीम की तरफ से, पूरे बहुजन समाज की तरफ से, कि आपने बहुत अच्छी तरीके से इसे कैप्चर किया और आपने सोशल मीडिया पे इसे डाला। तत्काल प्रभाव से न्याय की मांग की जा रही है, जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले और गुड़िया को इंसाफ मिले। नमस्कार, मैं हूं चीनू सहरावत और आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज। दिल्ली में बीते 1 अगस्त को राय नांगल गांव से एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसने पूरे देश को शर्मसार करके रख दिया था। 9 साल की बच्ची के साथ शमशान के पुजारी सहित 2 लोगों ने दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। न केवल इतना बल्कि बच्ची को जला दिया गया। इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि लगातार गुहार लगा रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले? मैं इस मामले में कहना चाहूंगा, ये जघन्य अपराध है। इस जघन्य अपराध को लेकर भी अगर आज इस देश के अंदर अगर हम लोग कानून बनवा नहीं पाए तो हम लोग फेल हो जाएंगे। तो हम लोग तमाम संगठन पूरे भारत से ये मांग करते हैं कि ऐसा कानून जो बनाया जाए कि जिससे 2 से 6 महीने के अंदर फांसी हो, वो कानून एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो SC ST के लोगों के लिए बनाई जा चुकी है, लेकिन तमाम सरकारें, तमाम भारत की केंद्र सरकार, तमाम राज्य सरकारें इस कानून को अपने अपने राज्यों में इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही हैं। हम लोग उसका विरोध करते हैं और हम लोग ये मांग भी करते हैं कि आप अपने अपने राज्य में इसको इम्प्लीमेंट करके वो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का गठन हो ताकि दोषियों को 2 से 6 महीने के अंदर फांसी हो। जी, ये तत्काल प्रभाव से कानून लाए जाने की बात की जा रही है जिसके तहत गुनहगार को जल्द से जल्द सजा मिले। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो लड़की दलित समाज से थी, ऐसे में दलित समाज के लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं जो लगातार अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं। सरकार का एक अलग ही तरह का रुख सामने आया है, प्रशासन की ओर से इस मामले में लगातार ढील बरती गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन और शासन दोनों कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष है उसको बचाने में लगा हुआ है। अगर ये सोशल मीडिया जो आप लोगों की ताकत है, अगर वो ताकत रोड पर नहीं आई होती तो इस मामले को दबा दिया होता। आपका हम लोग धन्यवाद करते हैं और तमाम लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस आंदोलन को तेज किया। मेनस्ट्रीम मीडिया गायब हुई, आप लोगों के माध्यम से ये आंदोलन चला, तो ये आप लोगों की ताकत है। और शासन और प्रशासन से हम लोग कहना चाहते हैं, अगर ये न्याय नहीं हुआ तो आज दिल्ली बंद है, कल भारत बंद भी होगा। जी, इस मामले का एक पहलू ये भी है कि माता पिता पर दबाव बनाया गया था कि वो चुप्पी साधे रहे, मामले को आगे लेकर ना जाए। यहाँ तक कि ये बात भी सामने आई थी कि पुलिस थाने में माता पिता के साथ मारपीट की गई है, दबाव बनाया गया है और FIR दर्ज करने में भी काफी ज्यादा वक्त लगा है। इस पर क्या कहेंगे? मैं वही बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि जो FIR हुई है वो पहले इनको लगा कि हैंड टू माउथ के लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, इनकी कंप्लेंट कोई सुनवाई नहीं होगी। गैर इरादतन हत्या के मामला दर्ज किया गया 304 के अंदर, लेकिन जैसे ही गांव वाले और सोशल मीडिया के लोग, सोशल लोग रोड पर उतरे और पुलिस प्रशासन पे दबाव बना, शासन पे दबाव बना, तो आपने देखा राहुल गांधी भी आए, केजरीवाल भी आए, आदेश गुप्ता भी आए। क्यों आए? क्योंकि आप लोगों का दबाव था, तमाम लोगों का दबाव था, इसलिए उनको आना पड़ा। और आज 302 पोस्को में SC ST Act में वो मामला दर्ज हो चुका है सिर्फ आप लोगों की तरफ से। जी, इनका कहना है कि जनता ने जिस तरह से सड़कों पर उतर के रोष प्रकट किया है उसके बाद आगे कार्रवाई की गई है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक महिला होने के नाते आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी बच्चियों के साथ इस तरह की कई वारदातें सामने आई हैं, फिर चाहे वो पानीपत के गोहाना से हो या फिर अभी हमारी गुड़िया हो। देखिए, हमें ऐसे बहुजन समाज में जन्म लिया है हमने कि बेटी होने पर जहाँ पे हमें होना चाहिए गर्व, वहाँ पे शर्म महसूस हो रही है। ये सिर्फ पहला केस नहीं है, ये हमारे समाज में पहला केस नहीं है, ना ही आखिरी केस है और ना ये रुकने वाली चीज है। हाथरस का केस ज्यादा समय नहीं हुआ है, मनीषा केस को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अंजना कंचन केस को ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये सिर्फ जाति को, बहुजन समाज को टारगेट करके ये चीजें हमारे ऊपर की जाती है। इस गुड़िया 8 साल की बच्ची सिर्फ पानी लेने गई थी, उसके साथ ही दरिंदगी की गई और उसे वहाँ पे जला दिया गया। क्या सबूत है कि बच्ची मर चुकी है? उस बेटी को जिंदा जलाया गया है, सिर्फ पैर बेटी के मोदे पड़े थे, उसी के साथ फोरेंसिक जो रिपोर्ट आई है वो हमें अभी तक प्रॉपर तरीके से मिली भी नहीं है। तो बेटियों के साथ जो ये दरिंदगी होती है, ये बहुजन समाज को
टारगेट करके होती है। किसी सर्व समाज की बेटी के साथ आज तक शायद ऐसा हुआ, अगर इक्का दुक्का केस हुआ भी है, मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगी, तो उन्हें न्याय भी मिल चुका है, दोषियों को फांसी भी हो चुकी है, इंडिया गेट पर कैंडल लेके कैंडल मार्च भी निकाले जा चुके हैं। आज मैं आपके चैनल से ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ बहुजन समाज इकट्ठा है, कहाँ गए वो जो हितेशी बनते हैं, बॉबी कटारिया, हर्ष शिकारा, सिमरित ईरानी और स्वाति मालीवाल, किरण बेदी जी कहाँ है? दिल्ली को, दिल्ली में हम हैं, दिल्ली में रहने वाले वो लोग हैं, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अगर वो समाज के मीनाक्षी लेखी, वो यहाँ की सांसद है, तो महिला होने के बावजूद उनका फर्ज बनता था पीड़ित परिवार से मिलने का, उनकी सांत्वना बढ़ाने का, प्लस उन्हें न्याय दिलाने का काम है हितेशी वो जी। इनका कहना है कि इस पूरे मामले को एक अलग ही तरीके से वर्गीकृत कर दिया गया है, टैग लगा दिया है कि वो एक बहुजन समाज की बेटी है, तो यहाँ पर सिर्फ बहुजन समाज के ही लोग इकट्ठा हुए हैं, बाकी अन्य संगठन यहाँ पर मौजूद नहीं है अपना पक्ष रखने के लिए या फिर गुड़िया से इंसाफ के गुहार लगाने के लिए। जी हाँ मैडम, अब देखिए, अगर ये मुस्लिम, अगर मुस्लिम होता तो यहाँ पर पूरी आरएसएस, पूरा बजरंग दल, पूरा विश्व हिंदू परिषद, यहाँ पूरा रोड भर जाता, पूरी दिल्ली को रोड पे जाते। अगर ये मुस्लिम होता तो देश के अंदर जो खाई है वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाना चाहते हैं, लेकिन न्याय की लड़ाई नहीं है। हम लोग न्याय की लड़ाई के लिए रोड पे उतरे हैं, संविधान के दायरे में रहकर उतरे हैं, कानून के दायरे में रहकर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये जो पीड़ित पक्ष है, अगर ये मुस्लिम होता तो इस देश के अंदर पूरा सैलाब आ चुका होता, मीडिया उसको हाईलाइट कर चुकी होती, तो कहीं ना कहीं इस देश की दोहरी मानसिकता है, उस मानसिकता को खत्म करना होगा और नए भारत का निर्माण करना होगा। अगर लड़की मुस्लिम होती है तो मुस्लिम समुदाय के लोग अपना रोष प्रकट करते हैं, लेकिन अब हमारे देश को एकजुट होने की जरूरत है, एक साथ आने की जरूरत है, ताकि लड़कियों को इंसाफ मिल सके। किसी भी बेटी के साथ अगर गलत होता है तो ना सिर्फ एक समाज बल्कि पूरा देश, पूरा भारतवर्ष एक होकर सामने आए। और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, ये वक्त है जब भारत को एक नई नींव रखनी होगी और नए भारत का निर्माण करना होगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? नमस्कार, सभी को हम ये एक संदेश देना चाहेंगे, जो ये असमानता का दौर इन्होंने बना रखा है, जातिवाद या धर्मवाद, ये वो विषय नहीं है हमारा, ये देश की बेटी है। निर्भया कांड में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मनीषा कांड में भी लिया, और अब इस गुड़िया के लिए भी है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, ये जाति विशेष नहीं है, ये नारी विशेष है, ये नारी की असमानता और जो हमारे पुरुषवाद में बटा हुआ है उसको खत्म करना होगा हमें, क्योंकि बहन बेटी सभी के घर में है, चाहे वो पुलिस विभाग हो या अन्य कोई राजनीति दल हो, बहन बेटियां सबकी हैं। तो ऐसी घटना दिल्ली में या पूरे भारत में कहीं ना घटे, उसके लिए हम लोग ये इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं। और तमाम राजनीति पार्टी आके चली गई हैं, लेकिन उन्होंने कुछ चंदा देने की घोषणा करी है, न्याय देने की घोषणा नहीं की है। हमें न्याय चाहिए, जो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं ना घटे, क्योंकि ये प्रोटेस्ट एक बेटी का या एक जाति का नहीं है, ये पूरे देश की असमानता जो हमारे बीच में बटी हुई है उसको हमें खत्म करना है। अब हमें आने वाले समय में व्यवस्था परिवर्तन करनी होगी, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बन चुकी है। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो शिक्षित बेरोजगार इतना बढ़ गया कि आपकी क्वालिफिकेशन, जो आपके पेरेंट्स ने पढ़ाई लिखाई में लाखों रुपए लगाया, लेकिन उन्होंने आपकी कीमत तय कर दी है कि आप 20,000 से ज्यादा इंडिया में कहीं कमा नहीं सकते हो। ऐसी व्यवस्था को हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। और एक चीज, भारत देश में हर समय ऋतुएं आती हैं, परिवर्तन कुदरत का नेचर है हमारे यहाँ, लेकिन ये जो गुलामी हमारे बीच में 75 साल से चली आ रही है, अब उसका दौर खत्म करना होगा। हमें इस नेचुरल जो प्रकृति हमें संदेश देती है कि कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, ऐसे ही हमें सरकारों का परिवर्तन करना होगा, तभी होगा हमारे देश का विकास। इनका कहना है कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए, लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, महिलाओं के प्रति अपना रवैया ठीक करना होगा। इसी के साथ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि इस पूरे केस में पुजारी सबसे मेन आरोपी है, पुजारी को हमारी समाज एक अलग ही दृष्टि से देखता है, लड़कियां शायद अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित उनके पास जाके महसूस करती हैं, तो एक पुजारी की ओर से ही इस तरह के दुष्कर्म को अंजाम दिया जाना, इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि जो घृणित मानसिकता है,
वो घृणित मानसिकता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लिखने के बाद ये बता दिया गया कि वो किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी वर्ग में हो, आपकी मानसिकता तय करती है कि आप पुजारी हो या चपरासी हो। आपकी मानसिकता अगर घृणित है तो आपने ऐसे कर्म जो 5000 साल से चले आए आपने उनको भी अपमानित करने का काम किया है। ऐसे लोगों को आने वाले समय में इस देश के अंदर जो परिवर्तन की लहर चल रही है वो परिवर्तन की लहर खत्म कर देगी। बिल्कुल सही, लोगों को आने वाले वक्त में ये चीज समझनी होगी कि इंसान का चयन उनके कर्म के आधार पर किया जाए, ना कि जाति के आधार पर। इसी के साथ मैं कुछ अन्य सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जैसे निर्भया केस में एक लंबा वक्त लगा था, 8 साल के बाद इंसाफ मिला था, तो इस पर आप क्या सोचते हैं कि इस मामले में कार्रवाई कब तक आपको इंसाफ की उम्मीद है? जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, जो हमारी मेन मांग है कि फांसी की सजा कैसे हो सकती है, जो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, हाँ हम इसकी मांग कर रहे हैं कि हमें इस एक्सक्लूसिव कोर्ट की जो स्पेशल कोर्ट की जो मांग है इसी के अगर इसको एस्टेब्लिश तो कर दिया गया है, लेकिन इसकी इस पर स्टैंप कब लगेगी? जब हमारी सत्ता में हमारी बात को सुना जाएगा। और सुना कब जाएगा? जब ऐसे तो बहुत सारे केस अभी तो होने बाकी हैं। अभी हम आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल को कहीं और होंगे, क्या पता कल को ये जितने भाई आज यहाँ पे खड़ेंगे कल मेरे लिए प्रोटेस्ट पे आप लोग पहुँच जाए। तो ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है जब तक इस चीज़ों का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो जाएगा। अगर किसी भी बेटी के साथ ये दरिंदगी होती है तो उसका सिर्फ 1 या 2 महीने में उसका न्याय, उस बेटी को न्याय मिलना ही मिलना चाहिए। तत्काल मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि पिछले 1 सप्ताह से आप हमारे साथ बिल्कुल एज इट इज बनी हुई है। सभी जितने भी सोशल मीडिया आपने हमें दिखाया है, मैं आपके चैनल का बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी पूरी टीम की तरफ से, पूरे बहुजन समाज की तरफ से, कि आपने बहुत अच्छी तरीके से इसे कैप्चर किया और आपने सोशल मीडिया पे इसे डाला। तत्काल प्रभाव से न्याय की मांग की जा रही है, जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले और गुड़िया को इंसाफ मिले, यही कहना है लोगों का। इसी के साथ अर्पण न्यूज के साथ मैं चिनू शेरावत।